नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं परिहार प्रखंड के परसंडी पंचायत के अंदर। जैसा हमारे चैनल का तरीका रहा है कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर चर्चा करते हैं, जन जन तक पहुंचते हैं, ग्रामीण तक जाते हैं और चर्चा करते हैं पंचायत के अंदर 2021 में पंचायत चुनाव में मुद्दा क्या है, क्या सिर्फ प्रत्याशियों की तरफ से जो वादा पर वादा होता है यही रह जाएगा या फिर धरातल पर भी कुछ उतर पाएगा। बहुत सारे ग्रामीण परसंडी पंचायत के हमारे साथ हैं, जिसमें युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग हैं। सबसे चर्चा करेंगे और जानेंगे पंचायत के अंदर मुद्दा क्या है। बाबा, क्या नाम है आपका? सुखाड़ी चौरसिया। चौरसिया जी, जी पिछले 5 सालों में आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है? काम तो यको को नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना। तो क्या चाहते हैं, इस मर्तबा बदलाव होना चाहिए या पुरनका को फिर से मौका देना चाहिए? कहने सुनिए जी, जब से रामचंद्र बाबू थे जी, उसके पीछे पर राजदेव बाबू थे जी, वैसा मुखिया नहीं कोई हुआ जी, नहीं होना चाहता है अभी जी। हाँ, तो अभी आप लोग किनको चाह रहे हैं? अभी हम लोग राकेश मंडल को चाह रहे हैं। राकेश मंडल को चाह रहे हैं? हाँ। क्या खास बात है इसमें? खास बात है, विद्वान लोग है, सबको स्वागत कर रहा है। वह नहीं उठा पटक का है, नहीं कुछ है, नहीं दलाल है, न फलाल है। अभी उसको हम लोग चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग इस पंचायत के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मंडल जी को इसलिए मुखिया बनाना है कि वो बिचौलिया और दलाल से दूर रहते हैं, पंचायत के गरीबों के साथ है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश पंडित है। सुरेश पंडित जी, आपके यहाँ 2021 अभी चल रहा है, क्या लोगों को खाना खिलाकर, नाश्ता खिलाकर, पैसा देकर वोट लिया जा सकता है क्या? तो मुखिया था, जब से अपना पंचायत में आज अपना अपने घर के लिए कुछ किया था, हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं, जनता के लिए कुछ नहीं, कुछ किया। नहीं किया है। तो इस मरतबा जनता का क्या मूड है? जनता चुनाव में लड़ रहे हैं, सब 5 मुखिया में खड़ा है। हाँ। भगवान करे किसको साथ दे रहे। तो ऐसे चर्चा भी होती है ना? हाँ, चर्चा में कौन है? चर्चा में रंजीत पंडित है। रंजीत पंडित है, किशनपुर के। अच्छा, तो इस तरीके से चल रहा है। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार मेरा नाम है। सोनू कुमार, आप युवा हैं, वोट डालते हैं आप? जी डालते हैं। तो वोट डालते हैं, इस मर्तबा जब वोट डालेंगे तो किस चीज की बुनियाद पर आप वोट डालेंगे? इस समय जो वोट हम डालेंगे वो रंजीत पंडित पे डालेंगे, और इसलिए डालेंगे क्योंकि युवा नेता है और विकास अच्छा से करेंगे। और इससे पहले जो राम सूरत मंडल जीते थे, कौन जीते थे इससे पहले? राकेश मंडल जीते हुए थे, वो अच्छा से विकास नहीं किए हैं। इस सबको हम देखते हुए रंजीत पंडित को इस बार वोट डालेंगे, और इस बार हम इसी को जिताना चाहते हैं, रंजीत पंडित को जिताना चाहते हैं। रंजीत पंडित को जिताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र पासवान। नरेंद्र पासवान जी, आपके पासवान में क्या चर्चा चल रहा है कि वोट देना चाहिए काम की बुनियाद पर या खाली नाम की बुनियाद पर? नहीं, काम की बुनियाद पर देना चाहिए। नया मुखिया बनाना चाहते हैं। नया बनाना चाहते हैं? पिछले बार जिताया, 5 साल कुछ नहीं किया, फिर जो है ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा। तो इसलिए रंजीत पंडित को आप लोग चाहते हैं? चाहते हैं। बाबा, तो ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिक्की पांडे है। युवाओं की क्या आवाज़ है? युवाओं की आवाज़ यही है कि काम होना चाहिए। अभी युवा नेता हम लोग चाहते हैं जो अभी समाज से जुड़े हुए हैं, रंजीत पंडित जी। अच्छा, पहले से भी समाज से जुड़े क्योंकि डॉक्टरी लाइन है उनका। अच्छा, और वो अभी मुखिया पद के उम्मीदवार पे हैं, हम लोग चाहते हैं कि रंजीत पंडित जीते। अच्छा, आप एक युवा होने के नाते ये सच्चाई बताइए कि अगर किसी गरीब के पास पैसा नहीं रहता है और उसको दवाई या मेडिसिन की अगर जरूरत है, तो रंजीत पंडित क्या उस समय उसकी सहायता करेंगे? जी, समय सहायता करेंगे, क्या करते भी हैं वो समय सहायता करते हैं जी। चलिए, तो ये एक अच्छी बात है, समाज सेवा में जो आगे रहता है क्या उसी को मौका मिलना चाहिए? एकदम बिल्कुल, है ना जी। तो क्या तैयारी है इस मरतबा? जम के तैयारी है, जम के तैयारी, जम चेंजिंग होना है तो होना है। बिल्कुल, परिवर्तन की लहर चल रही है। जी जी जी। तो परिवर्तन की लहर में क्या कुछ मुद्दा है आपकी तरफ से? पूरा गांव सपोर्ट कर रहा है मुखिया रंजीत पंडित को, पूरी तरीके से, पूरा तरीके से तैयारी किया जा रहा है। तो इस मरतबा पंचायत में, हाँ,
तो पंचायत की जनता ने ठान लिया है जी जी कि मुखिया बना के ही छोड़ना है, बनाकर रंजित पंडित के छोड़ेगा। चलिए ये बहुत अच्छी बात है सर, आप अपना परिचय दीजिए। सर हम संजीत पंडित है। संजीत पंडित जी आप रंजीत जी के भाई हैं क्या? जी हाँ। तो आप उनके भाई होने के नाते ये आपको मालूम होगा कि ये अभी युवा है जी। और इलेक्शन इससे पहले भी लड़े थे क्या ये? नहीं, प्रथम बार है। प्रथम बार, फर्स्ट। तो क्या लगता है कि पूरे पंचायत की जिम्मेदारी उठाने में कितना सक्षम होंगे ये रंजीत पंडित? हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, 70% चांस है अपना गांव में। अच्छा, लेकिन इनके अंदर जो काबिलियत है वो कितना परसेंट है मुखिया बनने की काबिलियत? वो तो 100 के 100 लेके चल रहा है। हाँ, कि पूरी तरीके से जो है ये पंचायत को आगे लेकर जा सकते हैं। हाँ सर। चलिए तो बातचीत जैसे हमारी हो रही। बाबा आपका क्या नाम है? राम बाबू राय। राम बाबू राय जी, क्या लगता है कि आपको बहुत तजर्बा है, आपने कई मुखिया बनाया, बहुत सारे जनप्रतिनिधि बनाए, क्या जो गरीब लोग, आम लोग है, पिछड़े लोग है, मजदूर है, उन लोगों की आवाज को क्या आगे बढ़ा सकते हैं ये रंजीत पंडित? बढ़ा सकते हैं जी। विकास का काम करेंगे। विकास का काम करेंगे ऐसा लग रहा है? लग रहा है, पूरा लग रहा है, पूरा लग रहा है, क्योंकि आपका तो अनुभव है। क्या नाम हुआ आपका सर? संजय शाह। संजय शाह जी, क्या कहेंगे आप? आज तक तो मैं ये देखा हूँ जी रंजीत पंडित में जी, 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक अपने गाँव के लोगों से जी, और गांव के लोगों को आज तक जितना बजे फोन हुआ है, परिहार थे या बिशनपुर में है या किसी भी प्रखंड में जी, जहां तक यह बच्चे के लिए, बच्चे के डॉक्टर हैं जी और अच्छा काम किया, यहां तक कि मतलब 2 बजे रात को आप फोन कीजिए, कल खाना पे बैठे थे। हाँ। कल भोज में अपने गांव में भोज था। अच्छा। खाना पे बैठे थे। हाँ। और फोन आया, खाना छोड़ करके वह गए। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि खाना खा रहे थे और खाना छोड़ कर गए थे। आपका क्या नाम है सर? जी राम विनय कुमार। राम विनय कुमार जी, अभी एक ग्रामीण ने ये बताया कि रंजीत पंडित जी खाना छोड़ कर भी समाज सेवा में जाते, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सत्य है। हाँ, हमेशा से इन्होंने समाज सेवा करने का काम किया, और हमारे यहाँ का जो भी यूथ लोग है जी और बड़े बुजुर्ग लोग के आशीर्वाद से जी इस बार पंचायत में चेंजिंग अवश्य रूप से चाहते हैं। तो चेंजिंग अवश्य रूप से आप लोग चाहते हैं जी, बिल्कुल। तो रंजीत पंडित को मुखिया बनाना है? बनाने की कोशिश लगी हुई है, जारी है, और इस पंचायत के गांव-गांव में घूम करके सर जी इनके लिए जब वोट मांगने का काम किया गया जी, तो यह सुनने को आया कि हाँ इस बार जरूर बदलाव होना चाहिए, और इनका 4 उद्देश्य मुख्यतः चल रहा है जी, पाला की वृद्धा पेंशन जी, विधवा पेंशन जी, राशन कार्ड जी, और ये जो क्या कहते हैं इंदिरा आवास जी, इन 4 में जो भी 2 पैसे लिया जाता है जी, और गरीब लोगों के लिए ही ये 4 चीज होते जी, हैं जी, जी, अमीर है जिनके पास खुद का सामर्थ्य है जी, उन लोगों को इन सब में कोई जरूरत नहीं है जी, और जिन जो गरीब होते हैं इन लोगों को ये 4 चीज आवश्यकता के रूप में मिलना चाहिए जी, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि उसमें चार्ज लिया जाता है। लेकिन रंजीत पंडित कितना चार्ज लेंगे? ये तो 1 पैसा भी नहीं लेंगे सर, ये बिल्कुल ये 4 चीजों हमने जो बोला है जी, इन 4 चीजों में ये 1 पैसा नहीं लेंगे। अगर इनको मुखिया कोई माने हमारे जनता जो भी है पंचायत के लोग जी, इनको एक बार बना करके विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास करना। इससे पहले जो भी लोग बने उन सब पर विश्वास सभी लोगों ने किया है, और जब विश्वास करने का काम किया तो उन्होंने कितना खरा उतरा जी, ये सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल। इसमें कहीं से लोग कहते हैं कि ये फलाने बाबू ये करेंगे, चिलाने बाबू ये करेंगे, हम तो यही कहते हैं कि हमारे जनता जागरूक हो चुके हुए हैं बिल्कुल, सबों को बारी बारी से मौका देकर के देखने का काम किया जी, कि इन्होंने कितना खरा उतारना ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, नहीं है, सभी लोग सबको देखा है, जाना है जी, इस बार सब पर एक बार विश्वास उन्होंने करके चुना है जी, तो इस बार इस युवा को जिसके साथ सारी यूथ है, बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद है और नैतिकता है, और ये जो हमने 4 चीजों का जो अपने आपके सामने रखा है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड और सर ये इंदिरा आवास, बिल्कुल इन 4 चीजों पर फोकस करके ही इनको नेता चुनने का काम हमारे यूथ लोग किया है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, और आप देख सकते हैं कि जितने युवा है खास तौर पर काफी खुश है, और लोगों से इतना बड़ा जी 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 एक शब्द और बोलना चाहेंगे सर, हमारे यहाँ अक्सर सुनने को मिलते हैं कुछ लोगों द्वारा जी, जो लोग जिनके द्वारा जैसे कि मान लीजिए
वर्तमान में जो मुखिया रह चुके हुए हैं, इनसे पूर्व में जो रह चुके हुए हैं, तो अटैचमेंट तो जरूरी है। बिल्कुल। अब समाज के लोग जो है उनको मुखिया जो होते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं, जिनके अंदर में पंचायत लेवल के माने अंदर होता है, पंचायत अंदर में होता है, तो उनसे तो सब लोग मिलेंगे। बिल्कुल। अब मिलन जुलन के अनुसार तो उनसे लगाव हो ही जाएगा, विशेषता बनिया जाएगा। तब विशेष रूप से जो लोग उनके साथ रहे हैं, काम किए हैं, जुड़े हुए हैं, तो दो चार लोगों का कहना है कि नहीं ये नहीं वही चाहिए। अरे भाई, और जनता लोगों का आवाज़ है कि नहीं इस बार बदलाव जरूर चाहिए। और साथ में अगर सबका आशीर्वाद रहा सर, तो बड़ी सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छे ढंग से आगे निकलूंगा। तो ये आप देख रहे थे कि परसंडी पंचायत की जनता, यहाँ के खास तौर पर युवा महिलाएं और यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, तमाम लोगों ने ठाना है कि एक बार रंजीत पंडित को भी मुखिया बनाना है। सीधे हम डायरेक्टर से बातचीत करते हैं और जानते हैं परसंडी पंचायत की जनता में इतना चर्चा क्यों। जी, हम अच्छे लोग हैं जी, अच्छे करते आ रहे हैं सभी दिन से, इसलिए लोग हमको चाह रहे हैं। उम्मीद है कि लोग इस बार हमको मुखिया बनाएंगे। आप अभी तक मुखिया नहीं थे तो समाज सेवा कर रहे थे, कर रहे थे। यहाँ के लोग हमको बताए कि आप खाना से भी उठकर चले जाते थे लोग की सेवा के लिए। मुखिया बनने के बाद, मुखिया बनने के बाद, क्योंकि लोगों में जैसा चर्चा चल रहा है, क्या इस समाज सेवा में कमी आएगी? कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। पूर्ण रूप से हम तत्पर होकर के काम करेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, हिल मिल कर रहेंगे, साथ देंगे और साथ रहेंगे। अच्छा, इन लोगों का इतना बड़ा भरोसा और विश्वास आपके ऊपर हो गया है, और जब आपको मुखिया बना देगा तो ऐसा तो नहीं कि आपसे मिलने के लिए उनको फिर इंतजार करना जी पड़ेगा? नहीं, मैं खुद जाके दरवाजे दरवाजे जाकर मिलूंगा। मिलेंगे जी। अच्छा, ये कई पंचायत की समस्या है कि मुखिया वार्ड सभा नहीं करते हैं, हर वार्ड के अंदर जा करके वार्ड के लोगों को बुला करके, और पूछना चाहिए महीना में एक बार कम से कम कि किस वार्ड की क्या समस्या है। क्या आप ऐसा काम करेंगे? करेंगे, हर एक महीने सभा करेंगे जी। 17 वार्ड है, 17 वार्ड में सभा करेंगे प्रत्येक महीना। तो क्या आपका सपना है परसंडी पंचायत के लिए कि मुखिया बनकर उसको आप पूरा करना चाहते जी? विकास करेंगे, विकास करने का काम करेंगे। जैसे आज के दर में ये रोड है, इस रोड पर ही पानी लगता है जी। आज से 5 साल जो पूर्व मुखिया रहे, आज तक नहीं उसको ध्यान दिया, चाहे कोई भी नहीं ध्यान दिए जी। इसका मेरा काम रहेगा, तत्पर रहेगा कि हम चुनाव जीत के आते हैं, सबसे पहले इसका काम करें, जहाँ रोड नहीं वहाँ रोड। जनता का ये सवाल है कि आप जो है चार चीजें आप अपने उद्देश्य में रखे हुए, संकल्प बनाए हुए हैं और घोषणा पत्र है आपका कि भाई पेंशन के अंदर, आवास के अंदर, छोटे छोटे काम के अंदर जो पैसा लगता है, लोग से चार्ज लिया जाता है, उसको आप नहीं लेंगे। ये जनता का कहना है, क्या सच है? जी सच है। और आप नहीं लेंगे? जी नहीं लेंगे। जनता का सेवा करते हैं और करते रहेंगे। चलिए, तो सर, तो आप देख लिए कि परसंडी पंचायत की जनता काफी एक्साइटेड है और रंजीत पंडित को मुखिया बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो मिलते हैं किसी नए और ताजा समाचार के साथ परसंडी पंचायत के किसी और वार्ड के अंदर। कैमरामैन शकील खान के साथ मैं मेंबर काती, परसंडी पंचायत।